गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। तो आज है राखी, सो मैं अभी वही राखी की प्रिपरेशन कर रही हूँ क्योंकि मैं भाई को अभी राखी बांधूँगी। तो ये मेरे हाथ पे आप फूल देख रहे हो। अभी मैंने राखी की जो थाल है वो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, आगे आगे देखते रहिए मैं क्या क्या करती हूँ। हे गाइस, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने जो राखी की जो थाल है वो मैंने रेडी कर ली है। यहाँ पे अगरबत्ती, पानी, लड्डू, टीका, धान, राखी, ये सब रखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए मैं भाई को राखी बांधने के लिए अभी पूरी तरह से तैयार हूँ। खुशी आज यहाँ पे बहुत गर्म है इसलिए खुशी भी देखिए यहाँ पे बैठी है। मैंने उसको कुछ टी शर्ट अभी नहीं डाली है क्योंकि मैंने उससे अभी तक बात नहीं दी है। तो भाई को राखी बांध के मैं ब्रेकफास्ट करके उसके बाद मैं खुशी को बात दिलाऊंगी। तो यहाँ पे मैं भाई को राखी बांधूंगी और खुशी को भी मुझसे राखी बंधवाना है इसलिए देखिए खुशी भी आके यहाँ पे बैठी है। तो भाई यहाँ पे हंस रही है, मम्मी से बात कर रही है कि पहले उसके हाथ में जो पहले की जो राखी है नेक्स्ट ईयर के वो राखी वो खोल दे या हाथ में रहे, वो मम्मी को पूछ रही है। और मैं यहाँ पे जो वीडियो कर रही है वो मेरी मम्मी कर रही है, पता नहीं वीडियो कैसी बनी है। तो मैं मम्मी को बोल रही हूँ आप ऊपर मत दिखाओ, जहाँ पे मैं भाई को आरती उतारूँगी आप वहाँ पे दिखाओ। तो मैंने भाई की आरती ले ली, अब खुशी की आरती ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने धान और डुब्बा और फूल जो है वो मैंने माथे में रखे हैं आशीर्वाद के लिए। ये खुशी को भी मैं सेम प्रोसेस कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने भाई को टीका लगा दिया। बैक साइड प्लीज इग्नोर कीजिएगा क्योंकि हमारे घर ऐसे ही है जैसे भी है, मेरा घर मेरे लिए बहुत अच्छा है। अभी मैं भाई को राखी बांध रही हूँ और यहाँ पे आप जो उलू उलू सुन रहे हो ये हमारा रिचुअल है। कुछ भी शुभ काम होने के टाइम में ये बंगाली लोग का होता ही है, ये उलू उलू देन शंख ध्वनि जिससे हम बोलते हैं वो मैं यहाँ पे लाने के लिए भूल गई हूँ। और मम्मी को मैं बोल रही हूँ कि आप ले आओ, पर मम्मी बात नहीं ली है इसलिए मम्मी ने नहीं लाई। तो बिना शंख ध्वनि के मैंने भाई को राखी बांध दी है। तो अभी मैं माँ को बोल रही हूँ कि आप सामने आओ, यहाँ पे मुझे राखी को आप अच्छी तरह से दिखाओ। तो मम्मी आप यहाँ पे ला के राखी को दिखा रही है। देखिए मैंने भाई को राखी बांध दी है और मैंने यहाँ पे भाई को लड्डू खिलाया और खुशी को भी मैंने खिला दिया। भाई जो टी शर्ट पहनी है वो मैंने भाई को दिया है। कुछ अच्छा देने की सोची थी पर इस लॉकडाउन की वजह से कुछ नहीं हो पाया, सब सोचने पे पानी गिर गया। और भाई भी मम्मी के कहने पे भाई भी मुझे लड्डू खिला रहा है। यहाँ पर मैंने भाई को पानी पिला दी। सेम प्रोसेस भाई भी मुझको कर रहा है, जो मैं कर रही हूँ वो भी मुझे रिपीट कर रहा है। भाई मुझे देखिए पानी पिलाएगी। और मैं यहाँ पे जगरबत्ती है मैंने वो जो ठाकुर की आसन है वहाँ पे मैंने रख दी। यहाँ पे भाई खुशी के साथ बात कर रही है। मैंने राखी की थाल जो है वो अभी हटा दी वहाँ से। लड्डू को भाई को बोली तुम लड्डू को ले लो, तो लड्डू और पानी की गिलास वो ले ली है क्योंकि मैं अभी भाई को ब्रेकफास्ट दूंगी। तो गाइस मैं आपको ब्रेकफास्ट में दिखाती हूँ राखी स्पेशल क्या ब्रेकफास्ट बना है। तो ये है पूरी और ये मैंने सुबह पूरी बनाई थी और ये लड्डू, ये है मटर की सब्जी और ये होममेड पनीर की सब्जी। तो कैसा ये था मेरा सिंपल सा ब्रेकफास्ट। तो मैं अभी भाई को राखी स्पेशल ब्रेकफास्ट देने वाली हूँ, दी हूँ। तो देखिए भाई अभी ब्रेकफास्ट करेगी।
मैंने कुछ खास नहीं बनाई है, बस हल्का में ही की है, क्योंकि आज यहाँ पे जो हमारे वेस्ट बंगाल में जब बहुत गर्मी है, तो इसलिए मैंने कुछ यहाँ पे, देखिए मम्मी बैठी है, मम्मी को थोड़ा आज चोट लगी है तो हाथ में बैंडेज लगा हुआ है, तो आज बहुत गर्मी होने के कारण मैंने सब हल्का में ही ब्रेकफास्ट बनाई है। तो भाई क्या हो गया, अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी सुबह से बर्थ थी, सुबह से कुछ नहीं खाई थी, तो भाई का ब्रेकफास्ट हो गया, अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।